के लिए नहीं है यह अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए इसको हमारे ना हमें अपने चरित्र में शामिल करना पड़ेगा अपनी जिंदगी की हमें अपनी स्टाइल बनाना पड़ेगा और जिस दिन आप मंच से सीना ठोक के जिस दिन ये बोलने लग जाओ चैलेंज करता हूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा करके दिखाए समझ लो उस दिन आप सिस्टम पर हो। रूल नंबर एक ये बोलता है कार्डिनल रूल नंबर एक बोलता है नेवर डू क्या बोला है कभी भी कभी भी ऐसे नहीं बोला कभी, कभी कभी क्या लिखा है कभी, कभी भी कोई भी एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई कभी भी कोई भी कभी भी कभी अरे बोलो तो कभी भी, भी। फिर रिपीट करो कभी भी, कोई, भी। कोई भी नया काम करने से पहले एक्टिव और सक्सेसफुल प्लान से पूछना है तो अब इसमें कभी दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए हेलो नए काम के लिए बोला है अब जैसे हमारा प्लान दिखाने वाला काम है वो नया है क्या हमारे लिए उधर तो रेगुलर वाला है तो ऐसे हम फोन करके नहीं जाना गुरु जी आपकी परमिशन हो तो मन कर रहा दो प्लान दिखा दूं क्या अबे दिखा क्या जल्दी एक बंदा है जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लिया कार्डिनल रूल को और उसने मेरे को फोन किया मैं मीटिंग में मैंने उठाया नहीं फोन फिर दोबारा किया फिर मैंने नहीं उठाया और करीबन दो घंटे बाद मैंने उसको कॉल बैक किया मैं मैंने हाँ टाइगर साहब बताओ अरे गुरुजी मैं ना एक बंदे के सामने बैठा था और वो डीडी देने के लिए तैयार था पर आपने फोन नहीं उठाया इसलिए मैंने उसकी डीडी ली नहीं क्योंकि आपने बोला था कि कोई भी काम बिना पूछे करना नहीं क्या मन करेगा ऐसे बंदे के सुन के फोन में से निकल के दू क्या इसके <laughs> अरे ये वाला तो कर ले क्योंकि रेगुलर वाला है न्यू थिंग कई लोग बोलते हैं नए शहर में जाकर के काम करता अखबार में वो दे देता हूं इश्तेहार है ऐसे नए कांड करने के लिए पूछने के लिए बोला है बाइक लेनी है इससे पहले नहीं थी अब लेने जा रहे हो तो बाइक कौन सी वाली लेनी ठीक रहेगी ये पूछ लेना चाहिए एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस है बाइक का मतलब साल छह लाख रुपए की बाइक उठा के ले आया बोला आपने बोला गुरु जी बाइक ले ले अब छह लाख रुपए ले तो आया गुरु जी इसका तो बीमा के भी पैसा नहीं है मेरे पास गुरु जी इसके लिए तेल के साले फिर पूछा क्यों नहीं था पहले तूने मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं काम की बाइक माँ गुरु जी से पूछोग तो साला दौड़ा नहीं है धुआंधार गाड़ी लेनी कौन सी बोले बैगनार सबसे बढ़िया रगड़ देना अब गाड़ी ऐसी ले आया वो चली नहीं रही चलाने पेट्रोल का पैसा नहीं है तो ये चीज पूछने की है वहां से कब वापस आना है पूछने की बात है कब जाना है पूछने की बात है किस टीम में जाना है पूछने की बात है प्रोग्राम करना है पूछने की बात है हेलो मोबाइल कौन सा लेना है पूछने की बात है और छोटी सी मिस्टेक कुछ नहीं है ज्यादा कोई अगर आदमी संकट में क्या है छोटे छुट छोटे कामों में कई बार गलतियां कर गया और गलतियां कर करके वो प्रेशर 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 बना के फिर प्रेशर इतना हो जाता वो दब जाता दब उसी के नीचे मैं आज अपनी जिंदगी में इतना स्वतंत्र हूं इतना मस्त हूं कि मैं बिना पूछे कुछ करता ही नहीं हूं गुरुजी लोगों से पूछ के करता हूं मेरे पास तो अगर मान के चलो दो कार्ड है तो डेबिट कार्ड मेरे पास क्रेडिट कार्ड गुरु के पास ठीक <laughs> है तो बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कुछ भी कहीं भी मैंने अब तक जितने भी प्रॉपर्टी लिए हैं एक कोई मैंने खेत एक कोई प्लॉट आज तक गुरुजी से पूछे बिना लिया नहीं मैंने आज तक और ये गुरुजी सामने बैठे बिल्कुल यहाँ तक कि जसवीर जी विदेश गए हम लोग मलेशिया में थे तो वहाँ पर करेंसी चेंज हुई और सारा पैसा इन्होंने दिल्ली से ही मेरी जेब में रख दिया और गुरु जी आप संभाले उसको आपने कहा कुछ नहीं रखा वहाँ घूमने लगे तो घूम रहे हैं तो हम लोग अलग अलग हो गए वहाँ पर गलती भाई डिफॉल्ट अलग अलग हो गए वहां पर इनको पैसे की जरूरत पड़ी तो बोले आई डोंट हैव मनी ब्रो ब्रो हैविंग डोट मनी तो यू लुल्लू इनको बोला तू लल्लू है अला इतना है कि भैया बड़े भैया लेके पैसे घूम रहे बोला यस आई एम मेरे को घेर लिया वहां पे और साला पट्टी पढ़ाने लग गए मेरे पास पैसे ही नहीं है बोले क्यों नहीं मैंने मेरे भैया के पास है मतलब तू लल्लू है क्या मेरा तो लल्लू तो मैं बच गया साले काट देते हूँ मेरे को <laughs> तो हमें अकल ही नहीं मैं तो एक ही मेरा सिद्धांत रहता है जो भी गुरु ले रहे हो अभी अपन टर्की गए तो कितने टर्किस लेने हैं हमें वहाँ पर करेंसी में लेने हैं कितने हमें डॉलर लेने गुरु जी कितने ले रहे हैं बोले इतने ले रहे हैं ठीक इतने डबल कर दे भाई कुछ कोई दिमाग लगाना ही नहीं हेलो और बड़े सुखी हैं हम और बड़े फायदे में कितने लोग अपना इस चीज़ के लिए माइंड सेट कर सकते हैं तो आप अगर अपलाइन से सलाह लेते हैं अपलाइन हो सकता है अपने लिए एक बार को कैजुअल हो जाए लेकिन किसी व्यक्ति ने जब सलाह ली है तो उसके लिए दो बार रीचेक करेगा कि रुक जाओ आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए माइंड कर लेंगे हम पूछने में कुछ जाता नहीं एक मनमोहन जी का फॉर्मूला है मनमोहन जी से एक बार ना मीडिया में ऐसे पूछा है हालांकि ये मजाक है पर लेकिन आपके काम का है पूछा कि मनमोहन जी आप अर्थशास्त्री हैं दो अद्दो कितने होते हैं मतलब बोला होते तो वैसे चार हैं लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जी से पूछने में एक बार क्या जाता है ये अपना रहना चाहिए जिसका जवाब हमें मालूम है और फ्रिक्वेंटली हम उसका आंसर कर सकते हैं लेकिन फिर भी क्या कहना है एक बार पूछ लंदो गुरु जी से हेलो yes. सेम वहां गुरु जी विजयपाल सर हैं हमारे आज कंपनी की सबसे टॉप रिकॉग्नेशन पे हैं यूनिवर्सल करोना मिस्टर हैं और इतनी बड़ी टीम है बावजूद इसके हम मैं उनके सबसे करीबी उनको मोटिवेट हूं मैं कितना ही कुछ भी बोलूं। वो कैसे कैसे चुपचाप कर कर कोई ना कोई मैसेज डाल के फोन करके गुरुजी से तो पूछ ही लेते हैं इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है कर लें या नहीं कर लें <laughs> मैं अगर बाद में बताता हूँ ना मैंने गुरुजी हमने ये किया हाँ मुझे मालूम है विजयपाल जी ने बता दिया था मैंने अच्छा बता दे <laughs> <laughs> मतलब उनको इनविल्ट है उनके अंदर ये मतलब मैं अगर हाँ नहीं बोलूंगा तब तक कोई उन्हें दुनिया का परम ब्रह्म ज्ञानी आ जाए उनसे हानि करवा सकता कोई नहीं। और मैंने अगर हाँ बोल दी तो कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता और ये रहस्य क्या है ये एक लाइन की बात है पर लेकिन इस रहस्य में मतलब 50 लाख की टीम बनाने का रहस्य है यूनिवर्सल कराने बनने का रहस्य है ये अब इसके लिए थोड़ा तो मन करेगा यार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज थोड़े से मजे लिए जाएं पर लेकिन इससे पूछ लेना पहले प्लान से ठीक है जी रूल नंबर दो बोलता है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन कभी भी कभी भी अरे बोलो परिस्थिति कैसी, कैसी भी हो लेकिन डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ कभी नेगेटिव बात नहीं करना ध्यान रखेंगे कई लोग कई लोग लो, लो चेक खोल के दिखाते हैं ये देख मेरा चेक मेरा चेक कितने का ला डाउन को दिखाता है हम्म को, 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 भी को भी दिखाते हैं है। आपकी है टीम में क्या है। चल रहा है।, तो है तुम्हारी दिन से इस बिजनेस में हूं हमारी खूब अच्छी मित्रता है शिव कुमार शर्मा जी को एज एन सीनियर मानता हूं बढ़िया रिस्पेक्ट करता हूं और देवेंद्र शर्मा जी सुनहरी लाल जी कोई भी इवन परशुराम जी सत्येंद्र प्रसाद जी हम लोगों को अठारह उन्नीस साल हो गई मेरे को अगर कभी भी मौका मिलता है मैं माघरू जी के साथ रुकना पसंद करूंगा उनमें से किसी के साथ रुकना पसंद नहीं करता हम तीन घुस जाएंगे बेड छोटा है कुछ भी है घुसा घुसू के नीचे सो जाएंगे जमीन में सो जाएंगे लेकिन को लाइन का मतलब ही नहीं और अगर इनकेस रुकना पड़ा इनकेस रुकना पड़ा परशुराम जी के साथ मैं अगर रुक रहा हूं तो भागवत की बात करो कृष्ण की बात करो राम की बात करो जिम की बात करो नेटवर्क की कोई बात करेंगे ही नहीं तेरी टीम में क्या चल रहा है मेरी टीम में कोई टॉपिक ही नहीं आ सकता इवन अगर मेरे संग को लाइन का बंदा मैं किसी अपने डाउनलाइन का फोन भी नहीं उठाता फोन भी नहीं उठाता मैं मैं उस टाइम पे बाद में बात करूंगा ना जाने वो किस मूड में मेरे से क्या बोलने वाला हो मैं क्या बोलने वाला हूं सब गड़बड़ हो जाएगा मामला ये थम रूल है याद रखेंगे हम लोग याद रखेंगे डाउनलाइन के साथ जिस व्यक्ति ने गुट बनाना और नेगेटिव बात करना शुरू कर दिया समझ लो उसने अपने पैरों पर कुलाड़ी मारना शुरू कर दिया डाउनलाइन से तो कभी नेगेटिव बात करना ही नहीं कुछ भी हो जाए धरती इधर से उधर हो जाए बम फट जाए कुछ भी हो जाए फोन ऊपर करना सीधा नीचे नहीं करना नीचे करना ही नहीं किधर करना बिल्कुल वाला मैं मरने ही वाला हूं तो भी ऊपर ही जाना चाहिए कॉल नीचे नहीं। कितने लोग बोलते हैं ऐसा करेंगे और रूल नंबर तीन बोलता है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी कभी भी हेलो सबसे पहली चीज कैरेक्टर के बारे में बोला है अगर बड़ा काम करना है तो ये स्ट्रांग रहना चाहिए मैं इतने साल से ग्रेड महागुरु जी के साथ काम कर रहा हूं 20 साल 20 साल में आज तक मैंने कभी ग्रेट माँ गुरु जी के मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज नहीं देखा ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि हम लोग खूब लंबे सफ़र में भी रहते हैं सात मिनट बड़ी बड़ी ट्रिप में रहते हैं माँ गुरु जी की इतनी बड़ी टीम है माँ गुरु जी बोलते हैं कि मैं यंग एज में माँ गुरु जी भी तो यंग एज में डायमंड बने तो गुरु जी को भी देखा मैसेज वैसेज आता होगा आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू नहीं आता होगा क्या स्मार्ट भी है गुरु जी खूब दमदार एकदम हेलो yes. आज तक का रिकॉर्ड है और कोई बता नहीं सकता कि मेरी टीम में कोई भी लड़की कोई लेडीज किसी के साथ में भी माँ ने आज तक कभी बातचीत किया माँ गुरु जी विजयपाल सर माँ गुरु जी सर और मैं खुद यहां खड़ा हूं कोई भी अपनी डाउनलाइन में ये बता दे सर मेरी टीम की फलान लड़की के साथ में आपने वहां बातचीत किया कभी भी अकेले में काउंसलिंग किया अलाउड ही नहीं है महागुरु जी ने बोला मैंने जिस दिन गाड़ी ली मेरी फ्रंट सीट पे मेरी माताजी और मेरी वाइफ के अलावा कोई तीसरी महिला बैठ नहीं सकती आज तक ऐसा नहीं है, मैं हमारी टीम में महिलाएं काम नहीं कर रही उनके लिए हमारी जान हाजिर है और बिल्कुल पूरी दमदारी के साथ उनको सफल बना रहे काम करते हैं उनके साथ बिल्कुल दमदारी के साथ लेकिन एक लिमिट जहां एक लिमिट बनी है उस लिमिट से आगे नहीं वो लिमिट हमेशा ध्यान रहनी चाहिए हमें कभी भी बिज़नेस में ये ध्यान रखना है हम बिज़नेस के लिए प्राउड बने शर्म की बात नहीं बने हमारी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ इतना रिस्पेक्ट मिलता है मैं इतनी कम एज में था लोग मेरे को अपने घर में अलाउ करते थे और मैं ये जानता था कि अगर मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी हरकत करी तो यही डुप्लीकेशन होगा और आज इसीलिए मैं कितने भी लाख लोगों के मंच से भी ये बात कह सकता हूँ तो इसके लिए हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा कितने लोग बोलते हैं करेक्टर से बिल्कुल एकदम और अगर किसी का किसी से चल रहा है लीगली कोई भाई किसी को है कोई पसंद तो ऑन दो फिर मंगलम मंगलम फेरे वेरे डालो हमें भी रसगुल्ला मिले साला लटका के रखना एक जगह पहले से मैरिड है दूसरा पार्ट टाइम में अलग से कहीं लटका के रखा है तीसरे को भी मैसेज कर रहा है तू तो गया ठाकुर तो गयो ऐसे लोग कभी सफल हो ही नहीं सकते yes. चरित्र से एकदम आईएसओ सर्टिफाइड बनना पड़ेगा बना सकते हैं yes. और चीजें आएंगी जब आपके पास सफलता आती है तो ग्रेट माँ गुरु जी ने हमेशा बोला मैंने बोला गुरु जी मैंने कहा ये बंदे को देखो इसके तो बाल सफेद है फिर भी इलू इलू करता है तो गुरु जी बोले बालों का और सफेद का होने का कोई कनेक्शन नहीं जिनके बाल नहीं है वो भी इलू इलू कर लेते हैं क्या करोगे इसकी बंद करोगे कर, कर, हाँ जी और कई तो जो कमिटमेंट लेते वो खुद ही कर देते एक बंदा तो मीटिंग में आया और कमिटमेंट ले रहा बेइंग मशीन में तो नहीं घुसोगे गलती से भी हिलू तो नहीं करोगे तीन चार दिन बाद पता चला गुरुजी वो बंदा गायब हो गया गायब हो गया और बताया उसके बारे में ऐसे गुरु जी उसकी ना बाइक चंबल में मिली है तो मैंने पक्का उसको तो किडनेपिंग होगी उसकी और उसका भाई पुलिस में और पूरा एस पी के यहाँ बता दिया पूरा दो तीन मतलब वो टीमें बनी उसको ढूंढ रही हैं लगातार कहाँ गया कहाँ गया और कुछ एक महीने पहले बेटी की शादी करके गया है उसकी बाइफ रो रही है बेटी रो रही है बेटा रो रहा है पापा कहाँ गए पापा कहाँ गए हमारे पापा ला दो और पापा मिला एमपी में टीम की एक लड़की के संग और वहां अलग नदिया के पार कौन दिशा में लेके चल रहे बटुरिया मैं और गुंजा <laughs> कई लोग बोलते मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो तो जो साले जितने ये डायलॉग बोलने वाले तो सारे गायब हो गए अगर ये सफलता ऐसे ही होती किसी भी कैरेक्टरलेस बंदे को और किसी भी छुछोरे बंदे को मिल जाती तो ग्रेट महागुरु जी जैसे संतों की आवश्यकता नहीं थी इस दुनिया से सत्यता खत्म ही हो जाती इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो पूरी पवित्रता के साथ पूरे आपको ईमानदारी के साथ और एकदम स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ जब आप रहोगे तो ही आपके पास सफलता आने वाली है अगर गलती से आ भी गई है तो छोटी सी मोटी आ भी सकती है तो बड़े से दरवाजे से निकल भी जाएगी ध्यान रखना परमानेंट नहीं रह सकती तो इसलिए बोलते हैं चरित्र को बढ़िया रखना है दारू दूर नहीं पीना ये भी मैं बता रहा हूं जितने दारू मास्टर थे उनकी सबकी टीम टूटी पहले हम देखते थे हम लोग तो गुरु जी हमें तो सुपारी भी नहीं खाने देते और ये देखो पैग लड़ा रहे हैं और इनका टारगेट भी हो रहे हैं गुरु जी से पूछते थे बताओ गुरु जी इनका काम इतना तगड़ा कैसे चला बोतल के टारगेट देते थे दो टारगेट कराएगा तीन बोतल तोरे को मेरी तरफ से फ्री और हमसे ले लेते थे वो जैसे कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है कंपनी क्या करती थी कूपन देती थी जिसको भी बोतल बियर लेनी है कोल्ड ड्रिंक लेनी कुछ भी ले सकता है तो हमसे बोलते कोल्ड ड्रिंक तू मेरे से ले लेना बियर वाला कूपन मुझे दे हमें तो बियर पीनी नहीं थी तो ले जाते थे बियर के पूरे कार्टून इकट्ठे कर लेते थे तो पीते थे मैं यार क्या है साला ये इन लोगों को चल कैसे जाता मैं गुरु जी को बार बार पूछा गुरु इनका रुख क्यों नहीं रहा हम यहाँ पे इतने सारा बोले नॉन नहीं खाना लड़की नहीं पटाना दारू नहीं पीना मार दो फिर हमें तो कुछ नहीं बोला फिर भी काम नहीं चल रहा और ये साला सब कर रहे हैं दो शादी कर रखी है इस बंदे ने गुरुजी तो मैं जानता हूं इसको दो शादी कर रखी है दारू भी पीता है ये। इसका काम कैसे चल रहा है बोलते रुक जाओ वक्त का इंतजार करो साले को लात पड़ी पीते थे गायब गायब हो गया उसका कहीं नाम नहीं है आज जितने भी देखो हम ही लोगों का हेलो कई लोग मोबाइल रखते हैं पासवर्ड ऐसा छुपा के रखेंगे बच्चे भी ना देख लें बीवी भी, भी, भी ना देख ले मेरे साला घर में काम वाली भाई को भी मेरा पासवर्ड मालूम होगा खुल्लम खुल्ला रहता है कुछ भी देख ले कोई साला ऐसा मैसेज आता ही नहीं है कोई लफड़ा लोचा है ही नहीं कोई एक एक कोई लड़की थी वो पीछे पड़ गई मेरे अब मैं क्या करूं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब मैंने उसको बोला एक आध बार मैंने ब्लॉक भी मार दिया उसको दो तीन नंबरों से उसके मैसेज आ रहे मैं तो आपके नाम का धागा बांधने जा रही हूँ ये करने मैंने कहा इसको तो समझाना पड़ेगा हिंदी में आप सोच नहीं सकते मैंने सीधा मैडम को नंबर मैसेज किया मैंने कहा कि महिला है मेरे को परेशान करे देवी प्रकट हो जाओ <laughs> और मैडम ने ऐसी शक्ति छोड़ी आज तक उसने मोबाइल अपने हाथ में नहीं लिया होगा है ऐसी एकदम कैरेक्टर सही रखना भाई हो जाएगा बड़ा काम हो जाएगा और खास बात यह है देखो मौका ना मिले तब तक तो सब ईमानदार हैं ईमानदारी कब चेक होती है जब मोबाइल में मैसेज है आई वांट लिखा है उसके बाद फिर ब्लॉक करके दिखाओ तो दरिया दलिया तब माने तुम वीर बहादुर हो हैं जी हाँ ध्यान रखेंगे आती रहेंगी सब चीजें दूसरा जो महागुरु जी ने बोला है ईगो बड़ा मतलब क्या कहें बड़ी हुई ईगो और बढ़ा हुआ पेट ये गले मिलने में दिक्कत करता है दोनों चीजों को कम करके रखना चाहिए है पेट बढ़ जाए तो क्या है गले थोड़े ना मिलते हैं फिर पेट मिलते हैं और ईगो भी बढ़ जाए तो भी आदमी गले नहीं मिलता है दूर, दूर दो गज दूरी मास्क है जरूरी ईगो वाले लोगों के साथ काम नहीं हो सकता क्या बात की ईगो माकुर जी ने बताया तुम हो क्या तुम कौन, कौन हो तुम हैं क्या हो तुम बताओ एक छोटा सा अटैक पड़ा नहीं तुम्हारा मालूम नहीं चलेगा लक्कड़ इतने लगाए जाएंगे कि तुम इतने से रह जाओगे खामोगे काय के लिए फलतु में आप आदमी कितने बड़े हो कितने छोटे इस बात के लिए नहीं जाना जाएगा आप आदमी किस तरीके के हो आपको इस बात के लिए जाना जाएगा और कभी भी इस बात से बड़प्पन मत समझना मैं साले को सुना के आ गया इस बात का बड़प्पन नहीं है दो तो सुन के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है तू खुश रह अपने अंदर ईगो पालना नहीं और दूसरे के ईगो को कभी झंड नहीं करना उसकी बनी दो अगर वो घोड़े पर सवार है कभी भी महा गुरु से कभी चर्चा होती है कभी भी बोलते हैं वो तो घोड़े पर सवार है मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ गुरु वो घोड़े से उतरे ही नहीं वो सवार ही रहना चाहिए दौड़े और एक पे नहीं सात घोड़ों पे सवार रहना चाहिए अजय देवगन बन जाए वो एकदम धुआ दो मोटरसाइकिल पे एंट्री ले मेरी तरफ से हरी झंडी है हेलो yes. कोई कुछ भी बोले कोई कई लोग आके बोलते हैं आपके लिए तो वो ऐसे कह रहा है जसवीर क्या है चेला है हमारा है हमने बना दिया बिल्कुल वो सही कह रहा है मैं कभी किसी बंदे से कंफर्म करने नहीं जाता अच्छा तेरी ये हिम्मत हेलो yes. अपने अंदर कोई ईगो है नहीं और ये बात मैं अपने बच्चों को भी समझा देता हूँ कल भी बोला था जैसे जो कुछ भी है सब कुछ माँ गुरु जी बोलते ना टेम्प्रेरी है तो मैंने उनको ये भी बता रखा है ये जो भी आज तुम यहाँ रह रहे हो बढ़िया सिंगापुर वाली लाइफ जी रहे हो गाड़ी है घोड़ा है सब कुछ है ये कभी भी तुम्हारे दिमाग में सवार नहीं होना चाहिए बेटा आज है कल हो ना हो लेकिन कभी भी ये मत सोचना हम इसी के आधी हैं आधी नहीं रहना कभी भी किसी भी चीज़ के हो सकता है कि कल तुम्हें गाँव में जा के रहना पड़े हेलो सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़े इस वक्त वक्त की बात है कई बार ना लोग झूठे कमंड में रहते हैं और ये झूठा मंडी इंसान को कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है कभी भी जिंदगी में ये सवार नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से ये आ गया आदमी क्या है एक हमारा दोस्त था उसका एक ही रूल था घी पियो चाहे साला कर्जा लेके पियो पर घी पियो क्यों नितिन जी और इतना कर्जा करवा दिया छह लाख का मेरे पे छह लाख का खुद पे नितिन जी खुद रहते थे नितिन जी बोलते थे गुरु जी कहां जा रहे हो आप मेरे मेरे को खुद नहीं पता क्या हो रहा है उसका नियम था मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो ऐसा नहीं करना चाहिए हकीकत में जियो और थोड़ा यथार्थ में रहो मनी पैसा पैसा आप पैसे के लिए नहीं हो पैसा आपके लिए हाजी जिन लोगों को पैसा नियंत्रित करने लग जाता है समझ लो वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता आपसे बड़ा नहीं होना चाहिए पैसा जिस दिन पैसा आपसे बड़ा हो गया उस दिन आप कुछ भी नहीं आप शून्य हो और मैं पैसे को कुछ नहीं मानता हूं मैं मानता हूं अपनी ईमानदारी को सबसे बड़ी चीज है मैं मानता हूं अपनी मेहनत को और अगर ये आपके पास है तो सब कुछ सही है और अगर आप पैसे के चक्कर में लोगों को झूठ बोलो उनको लड़ाई करवा दो मार काट मचा दो नहीं मेरे पास तो फिर पैसा तो रहेगा हो सकता है ये इनके इन प्रत्येन कोई कर ले लेकिन आप अपना जब हैप्पी बर्थडे मना रहे होंगे तो चारों तरफ खड़े होकर के ये कहने वाले लोग नहीं होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू आपको एक ही डायलॉग बोलना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे टू मी अकेले अकेले केक काटना पड़ेगा और ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं हाँ या ना जिंदगी में भगवान आपको हमेशा पैसे के माध्यम से टेस्ट करेंगे लाखों रुपए आपके थ्रू निकलने वाले करोड़ों रुपए आपके थ्रू निकलने वाले हैं लेकिन उसमें कभी भी हमारे मन में ये लालच नहीं आना चाहिए ये भाव नहीं आना चाहिए कि इसमें मेरा एक परसेंट भी हक है मैं ये मानता हूं क्योंकि मुझे आज जो मिल रहा है बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं अभी तो हम लोग नेशनली जो भी मीटिंग्स हैं नेशनल लेवल पर जितनी कंपनियां कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर भी इवन तो सारे लोग अभी तो जान पहचाने पूछते हैं कितना चेक ये वो अपने लिए एक सबसे बड़ी चीज है वो है ईमानदारी पैसा नहीं बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये चला गया फलाना चला गया नाम लेकर के भी बोलते हैं ओ वो कंपनी वाला ये कंपनी वाला मेरे को भी वो कंपनी वाला जिसमें भी बात करते हैं वो बंदे का फोन आया मैंने पहली बात तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया मैं तू कौन है बोला तो इसका मतलब आप जसवीर सिंह नहीं बोल रहे मैंने कहा मैं बोल तो वही रहा हूँ बाकी तू देख ले अपना मैं तेरे को जानता नहीं तो उसके बाद में फिर उसने ऐसा नाम बोला कि आप उनको जानते हैं फ़लाना शर्मा डॉट डॉट मैंने कहा कि जानते हैं बताओ बोला उन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली तो मैंने मैं क्या करूं तो बोला नहीं आप भी बैठोगे तो बढ़िया कुछ रहेगा मैंने कहा सुन लो भाई दो तरह की महिला होती।, होती है एक सुंदर महिला होती है एक जिसके साथ शादी होती है पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहती है चाहे वो कितनी भी हुरपरी हो हाँ जी और एक होती है अगर वो सुंदर है तो वो अपनी सुंदरता को बेचती है और देखती है कौन कितना भाव दे सकता है मैं पहली वाली कैटेगरी में से हूं मैं चाहे कितनी सुंदर हूं कितनी खूबसूरत हूँ मेरा जिसके साथ टाका भिड़ गया एक बार फेरे डल गए मरने दम तक इसी के साथ रहने वाला इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं अपनी जिंदगी मैं तुम उस वक्त कहां थे जब साला मैं पांच पांच रुपए के लिए तरस रहा था आज मुझे जान रहे हो क्योंकि सेप सॉप ने आज मेरे को सब कुछ बना दिया इसलिए तुम्हारा फोन आया हाँ जी वो होगा किसी व्यक्ति के इंटरनेट पर फॉलोअर्स हो सकते हैं वो तो राखी सावंत के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन बात इससे नहीं है पैसे के लिए हम अपने बाकी चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकते ना हम आए इस बिजनेस में हम हम बोलते हैं कि हमें रिटायरमेंट रिटायरमेंट कब मिलेगी जब हम लोगों को वफादारी सिखाएंगे yes. और वफादारी कब सिखा सकते जब हम खुद वफादारी करेंगे yes. और हम लोगों को बता रहे भाई सबसे बड़ी चीज पैसा है जब मैंने ये बात बोल दी और मैंने ये संस्कार लोगों के अंदर डाल दिया तो इसका मतलब लोगों को भी ध्यान रहेगा इससे ज्यादा उसमें मिल रहा है तो उससे ज्यादा जिसमें मिलेगा फिर वो मुझे छोड़ के भी टाटा भाई भाई कर सकते हैं क्योंकि मैं आज छोड़ रहा हूं। तो कल ये मुझे छोड़ सकते हैं हाँ जी? अगर मेरे में ये चीज़ नहीं तो मेरे आगे आने वाली के में भी ये नहीं रहेगी और रूल ये बोलता है कि पैसे को आप हमेशा सेकंड नंबर पे रखो अपनी ईमानदारी और मेहनत को पहले नंबर पे रखना और सही मायने में पैसा कौन सा आपके काम का जो पैसा आपके खाते में आता है कहां आता है अकाउंट में आता है सिर्फ उसी पे आप अधिकार की बात करो और उसी के लिए जोर लगाओ उसी के लिए दम लगाओ उसके अलग किसी भी पैसे पे अगर आपने दम लगाया है वो परमानेंट नहीं है वो आपके विवाद का कारण बनेगा आपकी लीडरशिप को कम करेगा इसलिए खाते में जो पैसा आता है उसकी दम लगानी है तो ये साइड इफेक्ट रहेंगे मागुरु जी ने बोला ईलू 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 का मतलब तो समझते ही है ना हाँ बहुत समझदार टीम है तो जो भी लोग इन चक्करों में फंसे हैं तो वो बचे नहीं है तो इससे अपने को दूर रखना भाई। और मात्र चाहने से कोई डायमंड नहीं बनेगा जब भी वो नहीं चाहे वो कौन जी? तो माँ गुरु जी बताएंगे माँ गुरु जी ने बहुत कुछ इसमें कहानियां लिखी हैं और मुझे लग रहा है खजाना है हमारे लिए नहीं नहीं, नहीं।, नहीं गुरु जी आप ही को सुनानी पड़ेगी हमारा अधिकार है और हम चाहते हैं बढ़िया बैठ जाओ एक मिनट के लिए माकुरु जी ने बोला है आपको जो चीजों का आपका जो जिन चीजों के लिए आपको ट्रेंड किया गया है उन चीजों को आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है हाँ जी आपको मालूम होगा कि लोग जंगल सफारी के लिए जाते हैं जिम कॉर्बेट जाते हैं रणथंबोर जाते हैं और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं शेर वगैरह देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? Yes. और जंगल में शेर दिख जाता है तो कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं yes. हाँ जी yes. कितना बड़ा yes. बहुत बड़ी बात है जिम कॉर्बेट कई बार गए होंगे मिला क्या ओमी सर अभी yes. ऐसा लगता है कि है ही नहीं बेफालतू बेवकूफ बनाते हैं और शेर देखने की इतनी ज्यादा चाहत क्यों हो रही है अगर देखना रही है तो चिड़ियाघर में है वहां जाके देख लो वैसा ही तो होगा वहां पे लेकिन चिड़ियाघर वाले को देख के कोई अचीवमेंट नहीं मानता कि मैंने शेर देखा जंगल में अगर कोई देख लिया तो उसको मानते हैं, जी, कि मैंने शेर देखा तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज इजीली उपलब्ध हो रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू कब होती है तो वो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू होती है और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट दिए बहुत सारे ऐसे गुण दिए बहुत सारे ऐसे ताकतों से आपको नमाजा है तो आपको वो चिड़ियाघर वाला शेर बन के नहीं रहना है अगर आप चिड़ियाघर वाला शेर बन गए तो लोग कुत्ते की तरह टीट करेंगे देखा आपने चिड़ियाघर में ऐसे मारते हैं उसको पत्थर ओए कू कू ऐसे करते हैं वो कू कू निकल जाएगी तुम अगर वो जंगल में वो घूम रहा हो तब वहां तुम कू कू करके दिखाना तुम्हारी सुसू में निकल जाए तो मेरा नाम बदलना हाँ या ना गलती उस शेर की है गलती शेर की है जो चिड़ियाघर में पड़ा है और कई यहां पर भी बब्बर शेर पर चिड़ियाघर वाले बन के रहोगे तो कोई भी तुम्हें टोंट मार के जाएगा क्यू डायमंड डायमंड पावर भूल गए अपनी यहां बैठे हैं ऐसे ऐसे वीर बहादुर टारगेट सलाब